किसानों को बिजली दो, 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 बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। गंगा भीषण, गंगा भीषण। अच्छा, कहाँ से आए सर? नगरी से। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बत्ती आज 22-23 दिन हो गया काटी हुई, हमारे दांत सूख गए। हम फोरमैन को कहते हैं, फोरमैन कहता है कि हमारी पिछले से उन्होंने बोला है कि बत्ती काट दी है। किस लिए काटी है, कोई वजह बताई होगी क्यों काट दी लाइट? जनाब उस 100 का ट्रांसफार्मर, कम से कम 32-33 मोटरें हैं, उस मोहल्ला भी है, मोहल्ले में कुछ एसी लगे हुए हैं, 15-15, 12-13 एसी भी लगे हुए हैं। तो जनाब बहुत तो 100 का ट्रांसफार्मर जो बहुत तो एसी के लिए हो गया, किसान कहाँ जाएंगे? हम चाहते हैं डिपार्टमेंट को कि देखे जा, हमारे फसल देखे, जाकर मुआयना करे, जो हमारी फसल है सूख रही है। हमने कनेक्शन काटे हुए टोटल कटी हुई है, मोटर जितनी भी है। जो कनेक्शन काटे गए हैं क्या वो लीगल थे या इलीगल हैं? जनाब उसमें कुछ लीगल हैं, 2-4 लीगल हैं, बाकी सारे कनेक्शन हुए हैं, 32-33 कनेक्शन हुए हैं। किसानों की जो बिजली काट दी गई है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसान, देश का किसान आगे ही घाटे में चढ़ रहा है, उसको आगे ही लागत मूल्य का उसको मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो ये बिजली का किराया कहाँ देगा? पंजाब सरकार ने, दिल्ली सरकार ने वो टोटल बिजली जो है किसानों को फ्री की हुई है, लेकिन हमारी रियासत ने आज तक जो किसानों की बिजली क्यों नहीं फ्री की है? ठीक है, हम किराया देते हैं, लेकिन हमारे 2014 का जो 20 करोड़ इन बेईमानों ने छुपा के रखा है, अभी गंदम का जो 12 करोड़ है, ये हमें मुआवजा दो तो हम बिजली का किराया भी देंगे। तो ये किसानों की जो बिजली काटी है, मुझे कल ही पता चलेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इन किसानों की बिजली बहाल करें, नहीं तो हम हाईवे जाम करेंगे ताकि किसानों का धान जो सूख रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि जो किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, आज देखो आप किसान दिल्ली में सड़कों में बैठा है, 7-7, 8-8 महीने में इसका लागत तक का बुल्ल नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो सरकार डबल लिंक की बात करती है 2022 में, तो ये डबल लिंक होगी, इन लोगों का दान सूख गया है और ज्यादातर लोग जो खेती बाड़ी में मुतासर हैं, तो इनका गुजारा कैसे होगा? तो ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके बिजली डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन किसानों को जो कनेक्शन, जो बिजली का कनेक्शन है, ये बहाल की जाए। जो किराए की बात है वो बाद में देख लेंगे, पहले इन लोगों का जो दान है वो सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो ये पूरा किसान जो है नगरी बेल्ट का ये हाईवे जाम करेगा। और जल्दी से जल्दी ये बिजली का कनेक्शन इनको जो मुहैया कराया जाए, तो हमारा जो मुआवजा है 28 करोड़ पहले हमारा मुआवजा दे, हमारा जो अभी कणक जो तबाह हुई है उसका हमें मुआवजा दे, फिर हम बिजली का बिल जो है अदा करेंगे। जैसे दिल्ली सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, पंजाब सरकार ने जो है बिजली फ्री की हुई है, तो हम यूटी सरकार को कहना चाहते हैं, हॉनरेबल गवर्नर को कहना चाहते हैं कि जो किसानों की जो बिजली है इनको मुफ्त दी जाए और इनके जो कनेक्शन जो काटे गए हैं इनके बहाल किए हैं। यही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप किसानों की बात सुनने आए हैं। अब हम डिप्टी कमिश्नर कठुआ के पास जाएंगे, उनका क्या कहना है, ये आपको बात बताएंगे।